दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ऐसे में एक बार फिर बिजली के रेट बढ़ाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, फूड कॉरपोरेशन द्वारा खाने के सामान पे भी रेट बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया जा चुका है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के अमीनाबाद में। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि उनका बढ़ती हुई महंगाई पे क्या कहना है। ये लगातार बढ़ती हुई महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई तो बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई काम कारोबार कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि महंगाई को रोक लगाएं और थोड़ा सस्ता करें गरीबों के लिए। लगातार जिस हिसाब से महंगाई बढ़ते जा रही है, इनकम 1% नहीं रह गई है। बढ़ती हुई महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत है। महंगाई पे क्या कहना, महंगाई तो भाई है। फिलहाल आदमी तो फिलहाल खरीदता है थोड़ा बहुत सामान, महंगाई तो फिलहाल है। मैम, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आपको घर चलाने में क्या समस्याएं देखने को मिल रही है या क्या समस्याएं आ रही हैं? मैम, महंगाई तो बढ़ ही रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो डेली यूज़ की हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे लेकर जो और भी चीज़ें हैं, काफ़ी महंगाई आ रही है। थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो थोड़ा इस तरह की दिक्कतें आती हैं। महंगाई को देखते हुए आपका क्या कहना? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, देखिए हर चीज़ में रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। देखिए, आटा लाते थे 22-23 रुपए में, 32 रुपए किलो आटा। सिलेंडर, गैस सिलेंडर 1100 कुछ रुपए का। ठीक है, तो वैसे में देखिए क्या करें हम लोग, ये सब बेच रहे हैं, सब महंगा ला रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े दुकानदार हैं, सिर्फ वही फायदा उठा रहे महंगाई में। बोली आदमी जी नहीं पाएगा जिस तरह की महंगाई है। महंगाई इतना है कि हर चीज महंगा, देख लीजिए आप, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, हर चीज पे महंगाई है। अब देखिए दूध पे भी GST लग गई, दही पर भी GST लगा दिया गया। महंगाई से तो जनता परेशान है, कम आमदनी कम है, महंगाई ज्यादा है। अच्छा चाचा, आप बताइए ये जो पब्लिक यहाँ पे कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी क्या बढ़ गई? आमदनी आप ये बता दीजिए हमको, आमदनी क्या बढ़ गई? अगर हम 400 रुपया कमा रहे हैं आज, वो हम 400 रुपया जब मैं घर लेके जा रहा हूँ तो हमके पास पॉकेट में 5 रुपया बच नहीं रहा। सुबह मालूम हुआ पत्नी ये कह रही कि भाई साहब आपको 10 रुपया बच्चे को स्कूल भेजना, 10 रुपया चाहिए। भाई नहीं है, आमदनी बढ़ी है। लेकिन बढ़ी किनकी है? एक नजर चाह, हमारा कहने का तात्पर्य क्या, वो पहले समझ लीजिए। समझ गए, आपका कहने का मतलब ये है कि साहब महंगाई बढ़ गई तो आमदनी बढ़ गई। आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोला आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी किनकी है? जो गवर्नमेंट सत्ता से, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी मिलना जाए। आप सिलेंडर देख लीजिए, हम लोग जो प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, 70 रुपए की सिलेंडर आज कितने की बिक रही? 1100 रुपए की बिक रही है। एक मामूली आदमी क्या कर सकता है भाई? 400 रुपए अगर वो कमा के ले भी जा रहा है, वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। बच्चे का स्कूल का हाल देखे, कितना प्राइवेट से लेकर सरकारी का हाल क्या हो रहा है। हम एक जैसा इंसान मजदूर आदमी बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे, और सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है आप देख। चाचा की बात से हम सहमत है, चाचा जो कहना चाह रहे हैं मेरा भी अर्थ यही था जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, जो कि आज के युग में गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको सारा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जो आम जनता जो प्राइवेट वर्क कर रही है लेकिन उनका कोई भी प्रॉफिट किसी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। आज भी पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप पे कर्मचारियों से पूछिए उनकी तनख्वाह कितनी है, तो बताएंगे भैया 6000-7000 महीना मिल रहा है। अब 7000-6000 महीना काम करने वाला आदमी सोचिए कि वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, प्लस 1100 रुपये का सिलेंडर है। सोचिए कि अगर महीने में वो एक सिलेंडर ले रहा है तो 11 तो बचा कितना उसके पास, 5000 बचा, तो 5000 में घर का राशन भराएगा कि अपने फैमिली को देखेगा, कि यदि फैमिली किसी प्रकार से कोई अगर कष्ट हो जाए या मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है तो उसके लिए भाग दौड़ी पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाई, योजनाएँ बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उसका लाभ कभी आप जाइए मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके देखिए, एक पर्चा बनाने के बाद वो किस तरह संघर्ष करता है अपने फैमिली का इलाज कराने के लिए, खुद का इलाज कराने जा रहा है, कभी सही टाइम पर कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसी बात देख लीजिए मेडिसिन की दाम, आपने जो है दवा पर GST लगा दी, जो 50 पैसे की टेबलेट है आज हम 10 रुपए की ले रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं और लोगों को घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना ये होगा कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कुछ नए नियम
और क्या कुछ तरीके अपनाती है। जन संदेश टाइम्स के लिए मैं वंशिका मिश्रा, कैमरामैन जय के साथ लखनऊ।